बहनों और भाइयों, यही नहीं, आजादी के बाद इस देश के संविधान को देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी प्रति सम्मान का भाव इन दलों में नहीं था। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को चुनाव हरवाया था और समाजवादी पार्टी 2012 में जब सत्ता में आई थी तो उसने पहले क्या कहा था, उसने कहा जितने भी ये दलितों के स्मारक होंगे उसने कहा था इनको हम तोड़वाएंगे। अब आप सोचो, बना तो नहीं पा रहे लेकिन तोड़वाने की बात कर रहे हैं। इनकी मानसिकता देखो ना, ये बना नहीं सकते लेकिन तोड़ने की बात जरूर कर देते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ का निर्माण मोदी जी ने करवाया और आज पूरे भव्यता के साथ जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, जहां बाबा साहब ने अपने सार्वजनिक जीवन में रह करके कार्य किया था, नागपुर की दीक्षा भूमि, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड में जिस भवन में रहे थे और जहां उनकी अंतिम लीला संपन्न हुई, ये सभी पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहनों और भाइयों, आप काशी में जाएंगे, काशी सदगुरु रविदास जी की पावन जन्मभूमि भी है। सीर गोवर्धन संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि, समाजवादी पार्टी के समय में, बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में वहां दिक्कतें होती थी, सिंगल रूट था, लाखों श्रद्धालु जन्मभूमि पर आते थे लेकिन उनको आने में कितनी कठिनाई होती थी। आज आप जाएंगे सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन धरा पर, आज आपको वहां भव्य स्मारक देखने को मिलेगा, उनकी 25 फुट ऊंची प्रतिमा देखने को मिलेगी, अन्न क्षेत्र मिलेगा, पार्क मिलेगा और जोड़ने के लिए 4 लेन की सड़क भी आपको वहां देखने को मिलेगी। बहनों और भाइयों, ये भी मोदी जी के कारण हुआ। अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण हुआ, 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए और रामलला के पहले महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण भी किया गया। बहनों और भाइयों, एक तरफ समाज को जाति के नाम पर बांटने वाले सपा बसपा कांग्रेस, इन दलों का गठजोड़ है और दूसरी तरफ 140 करोड़ भारतीयों को और देश के महापुरुषों को सम्मान देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन। आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोगों ने तो चौधरी साहब का भी अपमान किया था, मोदी जी ने भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान चौधरी साहब को देकर के देश के किसानों का भी सम्मान बढ़ाने का काम किया है। एक वोट अगर सही दिशा में जाता है, सही पार्टी को जाता है तो तकदीर बदल देता है, तस्वीर बदल देता है, और बहनों और भाइयों अगर गलत दिशा में जाता है तो वह पहचान का संकट खड़ा कर देता है। ये सपा बसपा कांग्रेस पहचान का संकट खड़ा करने वाले दल है, दलदल में डूबे हुए लोग हैं, इन्हें अच्छाई से नफरत है, ये अच्छाई स्वीकार नहीं कर सकते, माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उनके घरों में जाकर के फतिया पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर कोई निर्दोष हिंदू कहीं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो एक शब्द संवेदना के इनके मुंह से नहीं निकलते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं, मुझे विश्वास तो है, पक्का विश्वास है कि नगीना इस बार
ओम कम कुमार को यहां की मणि प्रदान कर देगा। और ओम कुमार जी तो पिछले 3 बार से आपके विधायक, यहां से 2 बार से लगातार विधायक हैं। विधायक के रूप में वे लगातार यहां जूझते रहे, कार्य करते रहे, और जब यहां पे उन्हें फुल संदे वाले बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है तो फिर बोलना ही क्या है। आरएलडी और भाजपा का गठबंधन भी है, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, इन सब का भी समर्थन है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, तो फिर ओम कुमार को दिल्ली पहुंचने से अब कोई रोक नहीं सकता, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं।